अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जो है वो सोकर बहुत देर से उठे थे, तकरीबन 1:30-2 बजे करीब, और अब व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो है। तो बस अब हम फ्रेश वगैरह हो चुके हैं सब जो है, और बाल भी मैंने हल्के हल्के से स्ट्रेट कर लिए, इसलिए आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने चूड़ा बांधा हुआ। बहुत गर्मी लग रही है मुझे शरीर वाली। तो आज जो है वो मेरा है पेरेंट्स डे, तो पेरेंट्स के घर जाने का डे है आज मेरा जो है। तो फिलहाल अब बस हम रेडी होंगे जाने के लिए, और 4:30 बजे का टाइम है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 5 बजे तक हम निकल जाएंगे, क्योंकि पहुँचते भी पूरा 1 घंटा लगता है। डिफेंस से मलीरगंज का रास्ता जो है वो बहुत लंबा है, तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैं थोड़े से हल्के से बालों पर टचअप करती हूँ, देन मैं लेंस पहनती हूँ, और उसके बाद मैं रेडी होती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। यार एक बहुत बड़ा खंड हो गया कि मेरी जूती सैंडल जो है ना वो एंड टाइम पर बिल्कुल हल्की सी ना निकल गई है मेरी जो है, और वो है भी यहाँ की नहीं, वो है भी बाहर की जो है, लंदन की। तो खैर मैंने जिशान से कहा तो है कि थोड़ा सा कुछ ग्लू शू जो भी वॉट एवर क्या कहते हैं उसको, वो लगा के जोड़ने की कोशिश करें आप, तो देखते हैं। मैंने नेल कलर वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिर्फ पाँवों में लगाया। आज मेरे मैचिंग का एक और भंड है कि आज मेरे मैचिंग का मेरे जो है वो ड्रेसिंग मेरे जो है वो मेकअप मेरे नेल कलर्स में ऑरेंज कलर नहीं है, बाकी सारे कलर्स हैं, हर तरह का कलर है, ग्रीन, ब्लू, येलो, और जो है लेकिन ऑरेंज कलर नहीं है। ऑरेंज का कोई भी कलर नहीं है, शेड जो है वो बहुत लाइट सा शेड है, पीच टाइप का शेड है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ, मैंने कहाँ डाल दिया, पता नहीं कहाँ डाल दिया मैंने। तो वो बहुत लाइट सा पीच कलर का शेड है, तो मैं वो लगा के चेक करूँगी, क्योंकि मेरा जो ड्रेस है ना वो है मेरा वाइट, और उसके साथ मेरा ये दुपट्टा है, तो ये चढ़कता फटता कलर नहीं है, बहुत लाइट सा पीच सा शेड है। तो घर चला लेंगे हम जो है। तो फिलहाल तो ये ब्लॉग जो है वो यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहिएगा एंड तक जो है। आज ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, मैं अम्मा अपा के घर पे जा रही हूँ दावत में, तो पूरा ब्लॉग बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह आप लोग के लिए, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, और मैं आप लोगों को थोड़ी सी देर में मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो है वो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये है मेरा ड्रेस। अभी मैं आप लोग को अपने फुल ड्रेस की जो है वो वीडियो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें आप, बहुत ही कोई खूबसूरत ड्रेस है, बहुत प्यारा, और ये मेरी हील्स, सो लॉन्ग हील, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा ड्रेस है, और ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है। इसके साथ मैंने ऑरेंज कलर का दुपट्टा वेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने और मेरे शौहर ने ट्यूनिंग करी है, और मेरी दोनों बेटियों ने अब पिंक पहनी है, उन्होंने ट्यूनिंग करी है, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने करी है, वाइट वाइट पहना है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स करके कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, और मेरा ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है। तो यार हील्स पहनना बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये क्योंकि ये बाहर की हील है बहुत कंफर्टेबल, लेकिन है तकरीबन कोई 5 इंच हील है ये। तो बस अब मैं निकल रही हूँ अम्मी घर जाने के लिए, पहले सास ससुर को जो है वो ताया ससुर के यहाँ छोड़ना है, और फिर हम जो है वो जाएँगे अम्मी की तरफ। तो बस रास्ते में थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊँगी, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो हम जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं घर पे, हम घर जो है थोड़ा सा आगे साइड पे चले गए थे वीडियोस वीडियोस बनाने के लिए, और घर पहुँच गए। और शूज़ आपने, कितनी बुरी बात है ना ये जो है, और आप कितनी बुरी लग रही हो अब जो है, ज़रा देखो अपना शर्ट देखो ज़रा कितना बुरा लग रहा है। तो बस जो है वो आ गए हैं यहाँ पे, और कौन से वाले भाई खड़े हुए हैं बाहर ये आप लोग देख सकते हैं, भाई खड़े हुए थे बाहर जो है, पहुंच गए हम लोग। यहाँ पे जो है वो गाइस शूट हो रहा है हमारा, वो जो है ना एक उषा जी इसको बोलो, वो एक भैंसा बैठा हुआ हमने तैयार किया है, भैंसा जो है कुर्बानी का, वो कुर्बानी का भैंसा आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए कुर्बानी का भैंसा हम लोगों ने रेडी किया है अपने लिए जो है, इसी कल करेंगे हम कुर्बानी जो है। और तगड़ा है, तगड़ा माल, तुम पहन के दिखाओ जल्दी से जो है फटाफट, ताकि मैं अभी यहाँ पर सेशन खत्म नहीं हुआ अभी, अब मैं इसको ना छीन लूंगी, छीन लो जल्दी से छीन लो, पूरा हो चुका है गर्ल्स। अभी आप देखो इधर देखिए, टेढ़ा देखिए, टेढ़ा देखिए, चलो चलो उतारो 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 उतारो, अब एक और, अब एक और जो है ना वो भैंसा तैयार हो रहा है, बकरी ही लगा रही मैं, गाइस एक और दो दांत की बकरी तैयार हो है, भैंसा जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये भैंस जो है ना, अब आप लोग सब बताइएगा हमें कमेंट करके ना किसके ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे रबिया के ऊपर ज्यादा अच्छा लगा, अब उषा जी के ऊपर भी अच्छा लग रहा है,
मुझे अपने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारे ऊपर जब अच्छा लग रहा था जब तुमने फार्म हाउस से पहना था। हाँ यहाँ जो है वो ये भी एक हमारा आ गया है चुकर जो मैंने उतार दिया है। ये क्या बोला यहाँ जो है वो मैं किचन में झाकी झाकी करने के लिए आई हूँ कि क्या क्या बना है। तो यहाँ पे बना है पुलाव और जो है वो बना है कीमा मगज़ है। और यहाँ पे जो है वो हमारे आए हैं पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा किंग के जो है। तो ये बच्चों ने खा के ख़त्म कर दी है। गार्लिक ब्रेड थी और बाकी पिज़्ज़ा। तो ये चीज़ें हमारी हैं और अभी खाना जो है वो टेबल पे लग चुका है पूरा। बस पापा का इंतज़ार है, पापा आ जाएं तो फिर खाना लगाएंगे। Happy birthday to you. भाई ये बंदा नहीं उठेगा यहाँ से जो है, ये नहीं उठेगा, ये नहीं उठने वाला। असम भाईजन को देखा तुमने हरकत? अच्छा भाई आप जा रही हैं, हम मुलाकात कर लेते हैं। कर जा रही मैं आपके बाद घर जाया की बारी हमारे पास वाकई में हमारा मैका डे। चलो भाई अल्लाह हाफिज़ जाए आप जो है। बाय 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 जाए। नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, असद भाई जा रहे हैं। कहाँ? क्यों क्या? अच्छा दरवाजे तक जा रहे हैं। यहाँ स्टार्ट हुआ हमारा ईदी का सेक्शन। मैं हैरान थी कि इस मीठी ईद पे भी जो है वो ईदी मिल रही थी मुझे और मुझे बहुत खुशी थी। फिर मुझे मिली भाई से ईदी, सेकंड वाला भाई चला गया था। तो गए यहाँ पे जो है वो मैं बाहर निकल गई थी अल्लाह हाफिज़ की अल्लाह हाफिज़ करके निकल गई थी और मैंने वीडियो नहीं बना सकी। और जो है ना वो बैड सीन सुनाऊँ आप लोग को, एक तो पहले मैंने लेंस का प्रॉब्लम हुआ वो भी मैंने उतार दिया, आइज़ बहुत रेड हो रही हैं। दूसरा बैड सीन ये कि क्या नाम है, मेरे भतीजी ने और बच्ची ने मिल के, भांजी ने, इन सब ने मिल के मेरी हील को नज़र लग गई और वो मेरी टूट गई है। वो जो है ना मैं अम्मी की स्लीपर्स पहन के आई हूँ इस टाइम पे जो है। और जो है वो अभी हम पहुँच निकल रहे थे तो चेक पोस्ट तक पहुँचे थे तो बहन ने कहा कि वो रहमत शरीफ एक शॉप है वहाँ पे आ जाओ। तो अभी हम फिलहाल वहाँ जा रहे हैं और निकलते हैं यहाँ से, निकल रहे हैं बस वहाँ पे जा रहे हैं चेक पोस्ट से दोबारा वापस उस साइड पे जा रहे हैं, दूसरी वाली चेक पोस्ट पे, चेक पोस्ट 6 पे जो है। माशाल्लाह कितना प्यारा बैल है आइलिन का, तो कितना खूबसूरत सा है बैल। माशाल्लाह माशाल्लाह आपके है पारा है ये, हम ले जाएं अनु जाओ ना इसको पारी तो कर लो। गाइस यहाँ पे जो है वो हम घर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी ऊपर। हमारे घर में जो है वो आज कोई भी नहीं है, सारे जो है वो रुकने के लिए गए हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि हमने जो है वो सामान रखना था। अम्मी ने थोड़ा सा जो है वो पुलाव, आयरन लाइट्स ऑन करो, तो अम्मी ने थोड़ा सा जो है वो पुलाव दिया था तो मैंने कहा कि यार फ्रिज में रख दूँ पुलाव ला के ऊपर जो है। और इसके अलावा जो है वो मुझे पानी भी लेना था और मैं जो है वो फ्रिज में मिल्क चेक करती हूँ कि अरीना का जो है वो बॉयल हुआ हुआ या नहीं। और बाकी इसके अलावा जो है वो आज के हमारी जो है वो रूटीन और आज का हमारा दिन जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ़िलहाल जो है वो मैं अपने इस ब्लॉग को जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूला करें कभी भी आप लोग जो है। तो बस हम अपने ब्लॉग इस ब्लॉग को हम फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं अपने जो है। आप लोग को कैसा लगा, मज़ा आया? आयरा ने तो आते के साथ ही अपने कपड़े चेंज कर लिए और रिलैक्स हो गई हैं आयरा जो है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और कल का भी ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि कल है ईद का 3rd डे।
और थर्ड डे में जो है वो अगेन हमारी दावत है, एक पार्टी है हमारी जो है वो भी फार्म हाउस पर है, तो फिलहाल उसका भी कल का ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं पूरी रूटीन कल की भी जो है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, तो बस आप लोगों को पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप लोग मुझे सब बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने ईद कैसे इन्जॉय करी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे का क्या क्या मेन्यू था, और इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय।